महिला जी, आज के 3 माह पहले मैंने सलमान खान प्रणाम श्री मेहंदी हसन के यहाँ सईदा पुनुनामा थाना अमेठी कोतवाली अमेठी में मैंने शादी किया तथा लड़के की मांग मोटरसाइकिल की थी, लेकिन मोटरसाइकिल देने में मैं असमर्थ रहा। और जिस दिन की यह घटना है, लड़का भी बाहर था। यह रात को 11:30 बजे तक लड़की से लड़ाई किया है, क्या लड़ाई किया है, क्या नहीं किया है, और उसी दिन उसकी हत्या हुई है। हत्या करने के बाद इन्होंने बताया, जब हमारे पास सूचना नहीं दिया, लड़के के पास फोन गया, लड़का हमको बताया, तो यहाँ कहीं कभी कहे कि बिस्खोपड़ी काट लिया है, कभी कहा सांप काट लिया है, कभी कहा कि अपने आप फांसी लगा के मर गई, हमको झाला बाला दे के और लाश रोकी गई रात भर, क्योंकि इनका लड़का था नहीं, बाहर था, और लड़का के आते ही उसका अंतिम संस्कार किया गया सर। जब हमको ये चीज का पता लगा कि उसकी फांसी लगा के मारी गई है, तब सर मैंने कानून का सहारा लिया। अफरीन बानो निवासी सैदापुर में इनकी ससुराल है और प्रतापगढ़ में मायका है। इनकी 28 तारीख को डेथ हो गई थी और उसके बाद उस दिन 29 को इनको दफनाया गया। उस दिन मायके पक्ष के लोग भी उपस्थित थे और उसके बाद ये लोग दफना करके चले गए। 4 तारीख को मायके पक्ष वालों द्वारा ससुराल पक्ष वालों के ऊपर FIR कराया गया और उसके बाद जिलाधिकारी महोदया के संज्ञान में आते ही इन लोगों ने वो किया है। तो उसके बाद वो जो है जिलाधिकारी महोदया ने आदेश उनका मुझे प्राप्त हुआ, उसके आदेश के क्रम में मैंने 176(3) के तहत मुझे अधिकार है CRPC में, जिससे कि डेड बॉडी को दफना निकाल करके उससे कब्रिस्तान से निकाल करके उसको तो प्रभारी निरीक्षक को मैंने आदेश दिया और कल आदेश हुआ है और CMO साहब को भी उसमें निर्देश है कि 3 लोगों की टीम गठित करें, 3 डॉक्टरों को। डेड बॉडी को निकलवा लिया गया है। लगभग 12:30 बजे हम लोग आ गए थे और 12:30 बजे इसकी खुदाई शुरू कराई गई और 12:55 पर लगभग डेड बॉडी निकल आई थी और डेड बॉडी को सील करा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है।